का एक मामला था, हम लोग कहीं से आ रहे थे और सड़क पर दुर्घटना हो गई थी, तो हम जो भी साथी आज इसमें हैं वो सब मिल करके जो जिनके साथ दुर्घटना हुआ था उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किए, वहाँ जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई थी उस गाड़ी को भी बचाने का काम किए, लेकिन हम लोगों पर क्यों ये FIR कर दिया गया, वो डेफिनेटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। हम जिलाध्यक्ष थे उस समय और महगामा के लिए चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे, तो ये हम लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए काम किया गया था। हम लोग तो मदद करने के लिए सड़क पर उतरे थे। एक्चुअली कोर्ट में अपीयरेंस हुआ है, कोर्ट के बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसमें सभी लोगों को बेल ग्रांट किया है और इसमें जल्द से जल्द हम लोग को इस मामले से बरी किया जाए, प्रॉम्प्ट रहने के लिए बोला गया है। इस केस के फॉलो कोविड की वजह से भी 2 साल आगे कोई बात बढ़ी नहीं थी, और अब जब विधायकों का मामला पास ट्रैक फाइल ऑफ अरेंजमेंट में है तो आज हम लोग यहाँ अपीयर हुए हैं बेल ग्रांट हुआ। मैम, अभी राजनीतिक हालात को लेकर क्या बोलिएगा, झारखंड का जो स्थिति बन रहा है? किस राजनीतिक हालात के बारे में आप जानना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यह समय तो जो सुखाड़ की स्थिति है राज्य में और खास करके संथाल पटना में, चर्चा गंभीर उस पर होनी चाहिए, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने हैं और गंभीर हैं, और आपके हिसाब से जो राजनीतिक मुद्दा है वो अभी जो सत्ता में आसीन है हम लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है फेक अकाउंट से, ट्विटर से, फेसबुक पे, मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों की मदद लेकर के प्रभावित करके उनको ये प्रयास किया जा रहा है कि सरकार को अस्थिर किया जाए, उसमें किसी भी को भ्रम में रखने का या भ्रम में डालने का काम या प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सफल नहीं है। इस राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद महागठबंधन में किस तरह से कोविड के समय जनता के साथ हम लोग खड़े रहे उसको देश ने उसका लोहा माना। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम महागठबंधन के साथियों ने सड़क पर, अस्पताल में कोई अगर दिख रहा था तो महागठबंधन के लोग थे और हमने अपने जनता की सेवा की। उसके बाद भी जो पॉलिसी 15-17 साल से डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन सारे मामलों को उलझाकर किसी भी प्रकार की कोई नीति जो है वो सही नहीं थी, उसको हम लोग ठीक करके एक एक करके समाधान हो रहा है। इस राज्य में किसानों का कर्जा माफी हुआ, बीज समय पे मिलना शुरू हुआ, मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया और कई सारे अनुबंधित पारा शिक्षकों का मामला आपके सामने है, आने वाले दिनों में कृषक मित्र हैं, चाहे फिर जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, उन लोगों के निदान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। राज्य के युवाओं ने बहुत भरोसे से महागठबंधन के सरकार को लाया और उनकी जो अपेक्षा हम लोगों से है रोजगार को लेकर, हम लोग लगातार इस प्रयास में है। JPSC 6ठी JPSC से आज 10वीं JPSC परीक्षाएं हो गई, JSSC के से परीक्षा किया जा रहा है, शिक्षकों की बहाली की जा रही है, अलग अलग हर विभाग में जो जॉब्स का प्लेसमेंट की बात है उस पर सरकार बहुत गंभीर तरीके से काम कर रही है। हम लोग एक विपदा से निकले थे कोविड के और अभी सुखाड़ हम लोगों के सामने है। हालत तो संथाल पड़ना खासकर भी मेरे जिले की यह है कि सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि पीने की पानी और मवेशियों के लिए भी पानी पर आफत पड़ने वाला है, तो इन गंभीर मुद्दों पर हम लोग काम करें या फिर फालतू की अफवाहों पे और ट्विटर के मैसेजेस पे काम करें या जनता को तय करना है। हम लोग कटिबद्ध हैं जनता, झारखंड की जनता की सेवा के लिए, और उसके लिए बीच में ऐसे रोड़े पत्थर आ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा नहीं है। उनको अपने भी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई हम लोगों के मुँह से अगर कोई बात निकल जाती है तो हम लोग यह प्रयास करते हैं कि उस बात का मान रख सकें, लेकिन इस तरह की उलूल फिजूल बयान देने के लिए वो जाने जाते हैं, यह भी एक उनका वैसा ही बयान है, हम लोग इसको गंभीरता से लेते हैं।